Good morning, class. This is our new pathology class in which today we will study about the next topic of liver, gallbladder and pancreas, that is pancreatitis, yani pancreas ka inflammation. Pancreatitis, pancreas ka inflammation hai, ye ek serious disorder hai जिसको कैटेगराइज करते हैं वेरियस स्टेजेस के बेस पर, उसके फॉर्म्स के बेसिस पर. ये एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म के रूप में पाया जाता है. एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हाई रिस्क की लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, जानलेवा कॉम्प्लिकेशन, मृत्यु दर का कारण भी बन सकती है. जबकि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस अनडिटेक्टेड 80-90% केस में रहता है, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन टिश्यू इसमें डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस यूजुअली क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में नहीं कन्वर्ट होता है, अनलेस कॉम्प्लिकेशन, जब तक कि कॉम्प्लिकेशन हो जाए तब तक वो नहीं कन्वर्ट होगा. क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में एक्यूट एपिसोड्स देखने को मिल रहे होते हैं. टिपिकली पेशेंट्स हैं मेन में 40-45 ईयर्स की एज में. अगर अल्कोहल की हिस्ट्री रह रही होती ज़्यादा देखने को मिलता है, और अगर वेमेन है तो 50-55 ईयर्स ऑफ एज. अगर बिलियरी डिजीज़ की हिस्ट्री है तो उनमें देखने को मिलता है. ये हेले एटल ने 2000 में बात बताई थी. एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की रेंज क्या है? ये माइल्ड से सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर से लेकर के सीवियर तक हो सकता है, और रैपिडली फेटल डिजीज़ यानी जानलेवा, बढ़ती हुई तेज़ी से जानलेवा बीमारी बन सकती है. और ट्रीटमेंट पर भी हो सकता है कोई खास असर इस पर ना पड़े ट्रीटमेंट का. माइल्ड एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में पर्सन में एडिमा और इन्फ्लामेशन होता है जो कि पैनक्रियास तक ही रहेगा. क्यों हो जाता है? ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से. कॉमनली बिलियरी ट्रैक के डिजीज़ जैसे कोलिथियासिस किसी को हुआ हो, आपको पढ़ा दिया मैंने टॉपिक. एक्यूट या क्रॉनिक कोलसिस्टाइटिस की वजह से भी हो सकता है, कोलसिस्टाइटिस भी आप पढ़ चुके हैं. लेस कॉमनली बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन से भी हो सकता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ से हो सकता है, इस्केमिक वैस्कुलर डिजीज़ से भी हो सकता है, या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए जैसे कि कॉरिडोकोलिथियासिस जैसे डक्ट के बाइल स्टोन में, या ट्यूमर से, या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्टीनोसिस वगैरह में भी ऐसा अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो ये बीमारी देखने को मिलती है. इसके अलावा ट्रॉमा हो जाए जैसे ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा या एब्डोमिन के ऑपरेशन की वजह से, या ERCP प्रोसीजर से भी ऐसा हो सकता है. पैनक्रियाटोग्राफी करवाया जाता है इसमें. मेटाबॉलिक में हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया यानी TGA का लेवल ब्लड में बढ़ जाए, TAG का लेवल, या एक्यूट हाइपर कैल्सीमिया हो गया हो, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया हो. वैस्कुलर में शॉक या वैस्कुलाइटिस की वजह से भी ऐसा हो सकता है. टॉक्सिन्स में अल्कोहल या स्कॉर्पियन वेनम, बिच्छू ने काट लिया होता तब भी देखने मिलता है. ड्रग्स में वेलप्रोइक एसिड, एजिथियोप्राइम 6MP जिसको अपन कहते हैं, वो मेट्रोनिडाजोल वगैरह, सल्फोनामाइड्स, कुछ डायूरेटिक्स वगैरह, ऐसी कई ड्रग्स हैं जो ये कॉज कर सकती हैं. पैथोफिजियोलॉजी, सेल्फ डाइजेशन पैनक्रियास का होता है, इसके खुद के पैनक्रियोटोलाइटिक एंजाइम्स इसको तोड़ देते हैं, मार देते हैं. प्रिंसिपली ट्रिप्सिन ऐसा करता है जिसकी वजह से एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है. 80% पेशेंट्स जिनको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है उनमें बिलियरी ट्रैक की डिजीज़ होती ही है. केवल 5% पेशेंट्स जो हैं उनमें गॉल स्टोन के साथ में पैनक्रियाटाइटिस डेवलप हो जाती है. गॉल स्टोन के बारे में बताया गया है. एंजाइम एक्टिवेट होकर के इसमें वैसोडाइलेशन करवा देते हैं जिससे वैस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है, इरोजन होता है और हैमरेज रहने लगता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में तेज पेट में दर्द होता है, ये मेजर सिम्टम है पैनक्रियाटाइटिस का जिसमें मेडिकल केयर की आवश्यकता पड़ती है. एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस रहने लगती है पर्सन को, बैक में भी पेन रहने लगता है इरिटेशन की वजह से. एडिमा से इन्फ्लेम्ड पैनक्रियास में एडिमा हो जाता है, नर्व एंडिंग स्टिमुलेट हो जाती है. टिपिकली ये पेन जो है मिड एपिगैस्ट्रियम में दिखाई देता है. ये एपिगैस्ट्रिक रीज़न बताया गया है तो एपिगैस्ट्रिक पेन यहाँ पर होगा. ये पैरी एम्बिलिकल रीज़न के ऊपर देखिए और ये नीचे पैल्विक रीज़न. पेन फ्रीक्वेंटली एक्यूट होता है ऑनसेट में, 24-48 घंटे तक होता है. हैवी मील के बाद में, अल्कोहल इंजेक्शन के बाद में बहुत तेज़ हो रहा होता है. जनरली मोर सीवियर होता है ये मील के बाद में, और एंटा एसिड से भी ये ठीक नहीं होता. एब्डोमिनल गार्डिंग इसमें पाया जाता है, नोजिया वॉमिटिंग होगा, एमिसिस देखने को मिल रहा होता है, गैस्ट्रिक ओरिजिन की एमिसिस देखने को मिलेगी.
वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, बाइल स्टेंड हो सकती है वॉमिटिंग, फीवर हो सकता है और जॉन्डिस भी हो सकता है, मेंटल कंफ्यूजन रह सकता है, बीपी कम हो सकती है, वो हाइपोवोलेमिया और शॉक को रिफ्लेक्ट करती है, पेशेंट में टैकीकार्डिया हो सकता है, शरीर नीला पड़ सकता है, ठंडा पड़ सकता है, ठंडी स्किन हो जाएगी, हाइपोटेंशन भी साथ में हो जाएगा और एक्यूट रीनल फेलियर इसमें कॉमनली देखा जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में दिक्कत आएगी, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, डिस्निया सांस की कमी, टैकेपनिया या फिर सांस तेजी से आ रही हो रही होती है या तो धीमे या तेज हो जाएगी, या ब्लड गैस वैल्यू एबनॉर्मल हो जाएगी, मायोकार्डियल डिप्रेशन हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी भी इनमें देखने को मिल रही होती है। डायग्नोस बाय सीरम एमाइलेज और लाइपेज का लेवल आप देखोगे तो वो बढ़ावा दिखाई देगा, 90% केसेस में सीरम एमाइलेज लाइपेज लेवल जो है वो राइज ही होता है, 3 गुना बढ़ जाता है नॉर्मल से 24 घंटे के अंदर अंदर। सीरम बस ठीक है, इसको कितनी देर तक और पड़ेगा बस ठीक है। इसके अलावा एक्सरे आप करवा सकते हो, खाली नाम नाम अपन को लिखना, अपन को डिटेल नहीं लिखना, एब्डोमेन चेस्ट का एक्सरे करवा सकते हो आप, ये एक्सरे देखिए, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, हीमेटोक्रिट और हीमोग्लोबिन का लेवल देख सकते हो, स्टूल पेशेंट का देख सकते हो, तो बल्कि पेल और फॉवल स्मेलिंग का स्टूल होता है, ERCP रेयरली यूज़ किया जाता है, ये USG बताई गई है। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में परसिस्टेंस पैनक्रियाटिक सेलुलर डैमेज होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन के बाद में, इसमें पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन जो है वो कम हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी, अल्कोहल जो ज़्यादा ले रहे होते हैं, लेस कॉमन कॉज में हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से या हेडिटी पैनक्रियाटाइटिस की वजह से, मालन्यूट्रिशन की वजह से, पैनक्रियास के ट्रॉमा की वजह से ऐसा हो सकता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के साथ में सीक्रेटिंग सेल्स का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है पैनक्रियास की सीक्रेटिंग सेल्स का, जिसमें माल डाइजेशन, माल एब्जॉर्प्शन हो प्रोटीन और फैट का, पॉसिबली डायबिटीज मेलाइटस में, आइलेट ऑफ लेंगरहैंस की सेल्स जो होती है उस पर ज़्यादा असर पड़ रहा होता है सेल्स को, फिर ये सेल्स फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाती हैं और पैनक्रियाटिक और कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है और ड्यूडेनम पर भी ऑब्वियस असर पड़ेगा इसका। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेन रहेगा एपिगैस्ट्रम गैस्ट्रियम और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, रेडिएट होता हुआ ये पेन बैक में भी जा सकता है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में के जैसे ही बाकी चीज़ें दिखाई देगी। ये डिजीज़ प्रोग्रेस होती है तो रिक्योरिंग अटैक पेन के आते हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियर और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सकता है, लंबे ड्यूरेशन के हो सकते हैं, वेट लॉस होने लगेगा, नोजिया वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया रहने लगेगा, माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, स्टीटोरिया यानी फैटी स्टूल दिखाई देगा और डायबिटीज मेलाइटस भी हो जाता है। डायग्नोज वही सेम है जो अभी तक अपन ने पढ़े थे, एल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल आप देख सकते हो एलिवेटेड दिखाई देगा, बाकी ठीक है सेम। एक्सरे करवा सकते हो, कॉल सिस्टोकाइन और सिक्रेटिन का एबनॉर्मल लेवल दिखाई देगा, सिटी स्कैन करवा सकते हो, ERCP करवा सकते हो। इसके साथ में ये टॉपिक ख़त्म, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो